हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल सुनीता बोरा ब्लॉग्स में। आशा करूँगी आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों से अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। आजकल मकान का काम चल रहा है तो मेरे को बिल्कुल ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं हो रहा है, ना ही मैं शॉर्ट्स डाल पा रही हूँ, ना ही मैं ब्लॉग डाल पा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो मैं आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने जा रही हूँ 5 बजे से। तो अभी मैं कपड़े वपड़े उठा के ला गई हूँ अंदर और मम्मी लोग बता रहे हैं गेहूँ। तो अभी मैं थी नीचे क्योंकि अभी आज हम अपने नए मकान में ले जा रहे हैं गाय को, तो वहाँ साफ सूफ किया था तो अभी लेके जाएंगे। और मम्मी लोग हैं बाहर गेहूँ बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से गेहूँ ऐसे अस्त व्यस्त पड़े थे, कुछ तो हम लोगों ने निकाल दिए हैं, मतलब बेच दिए हैं, कुछ यहाँ पड़े हुए हैं। और अभी मैं पहले जाती हूँ बुटीक में क्योंकि वहाँ भी कपड़े वगैरह देना है, बंद करके आती हूँ, फिर आऊँगी मैं घर, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को क्योंकि हमारी गौ माता आज जाने वाली है नीचे मकान में। गाइस, मैं आ चुकी हूँ दुकान में और अभी यहाँ पे मैं किसी के कपड़े देने हैं, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी घर क्योंकि शाम को मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है शॉप में आने का। बहुत टाइम बाद मैंने यहाँ सिलाई करी, यहाँ मैं 4-5 दिन बाद आई थी यहाँ। मैं आ चुकी दुकान में और यहाँ पे मैं सिलाई नहीं करूँगी क्योंकि किसी के कपड़े दे रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी घर को। तो पापा लोग भी अभी यहाँ नहीं हैं, बच्चों को लेने गए हैं अभी और अभी आ जाएंगे और उसके बाद मैं भी चलती हूँ घर को। तो यहाँ पे भी चक्की में तो मैं आ गई हूँ मकान में और गोविंद जी ने भी गाय के लिए रास्ता बना दिया है और वो भी अंदर ही है। तो देख सकते हैं आप, हमारा अंदर पुट्टी हो चुकी है, दिखाती हूँ मैं आपको। हमने कल यहाँ पर आंगन में भरान कराया था, ये मिट्टी को भरान कर दिया है, ये अभी इसमें पानी लगाना है। और कलर भी अंदर पुट्टी हो चुकी है, बाहर भी कलर होना रह गया है। अभी इसमें खाली एक कोट चढ़ा है, 2 कोट बाकी है क्योंकि पहले आंगन का फर्श वगैरह पड़ेगा, गट्टा वगैरह, बाउंड्री रह गई है हमारी, बाकी थोड़ा बहुत काम हो चुका है। तो चलती हूँ मैं मकान के अंदर की ओर क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने आपको दिखाया भी नहीं था, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पा रहा था मेरे पास। तो गोविंद जी भी अभी अंदर है, लकड़ी वालों का काम चल रहा है और टाइल हम लोगों की लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है वॉश बेसिन का एरिया और सीढ़ी में भी टाइल्स लग चुकी हैं, ये देखिए। और मैं दिखाती हूँ, हमारा मंदिर बन के कम्प्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं, ये है मंदिर, देखिए बीच में शेरों वाली माता की वो करके फ़ोटो का विराजमान किया है। तो ये देख सकते हैं हमारा मंदिर कुछ इस तरीके का दिख रहा है बन के। तो रह गया है अब खिड़कियों का काम, खिड़कियों के पल्ले बना रहे हैं भैया, इतना ठोका पेटी हो रही थी कुछ आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे खिड़कियों के पल्ले पर खिड़कियों में काम चल रहा है, बाकी ये गद्दे पड़े हैं देख सकते हो क्योंकि हम लोग शाम को यहीं पे सोते हैं। तो यहाँ पर हमारा है पीछे की तरफ, यहाँ पे भी भरान होना है, भरान तो हो गया है, बस इसमें अब फर्श डालना रह गया है। तो गाय को आज हम यहाँ लेके आएंगे, आज गाय हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने गाय का गौशाला का बिल्कुल साफ क्लीन बना दिया है, ये देख सकते हैं आप, खुली है ये। तो हम लेके आते हैं गौ माता को, दिखाएंगे हम आपको अभी थोड़ी देर में, मैं और गोविंद जी जा रहे हैं और यहाँ पे पूजा भी करेंगे। तो चलो चलते हैं गाय को लेने के लिए, दिखाएंगे हम आपको, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है शाम का व्यू, अभी बज गए हैं 6 और दीदी भी आ चुकी है, ये दीदी तुरपन करती हैं, मैंने कहा था इधर ही आ जाओ, तो दीदी भी आ गई हैं। ये देख सकते हैं सनसेट होने वाला है, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है देख सकते हैं आप। तो दीदी को दीदी का सामान दे देती हूँ, अभी चलाएंगे हाँ, पहले दीदी को सामान दे देते हैं। तो हमने यहाँ मोटर से, बड़ी मोटर से यहाँ पे पानी छोड़ा था ताकि ये मिट्टी पूरी बैठ सके,
पानी लगाया था शाम को 12 बजे तक गोविंद जी ने, तो अभी भी धूप ले आना और वो बतासे रख रखे हैं अंदर, पिठा की थाली भी लाना, मैं दीदी को सामान देती हूँ। दीदी भी बोली थी काफ़ी टाइम से आऊँगी आऊँगी करके, तो मैं भी नहीं आ पाती थी कभी, यहाँ पे होती नहीं थी। तो अब मैं दिखाती हूँ दीदी को घर अपना, दीदी ये है बैठे कमरा, तो मैं इनको दीदी को अपना पूरा घर दिखा लेती हूँ, आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। ले ले सो गाइस, तो गाय हमारी चली गई फाइनली नए मकान में, ज़्यादा परेशान तो नहीं किया था गाय ने। अभी मैं वहाँ से चारा डाल के कुट्टी डाल के घर ही आई हूँ और अब बना लेती हूँ खाना। खाना खा के जाएंगे हम नीचे को, क्योंकि आजकल हम वहीं सो रहे हैं तो बच्चे दिया जला रहे हैं, तब तक ले बना लेती हूँ खाना। कह रहे मम्मी भूख लग रही है, आटा मल लेती, मम्मी सब्जी काट रही है तो मलती हूँ जल्द से आटा। सो गाइस, सब्जी वगैरह डाल दी मैंने, आटा मल के रख के आई हूँ मैं, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के भी टेस्ट होने वाले हैं स्टार्ट। तो आज का ब्लॉग भी अब मैं यहीं पेंड करूँगी, मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।